है कि अगर खुदा ना खास्ता सिलेंडर लीक हो जाता है, गैस सिलेंडर लीक हो जाता है, तो उसको कैसे घर की औरतें या बच्चे भी उसको बुझा सकते हैं। इजी वे होता है, ये डिमोनिस्ट्रेशन में दिखाएंगे कि किस तरह हम सिलेंडर को, आग या गैस जो लीक होती है उसको कैसे हम बंद कर सकते हैं या उस गैस और उस आग को कैसे बुझा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट अच्छे हैं, तो यहाँ पर जो इंजीनियर आकर साफ है, जो सारा कुछ यहाँ पर बहुत देखिए। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि हमारे जो डायरेक्टर है श्री आलोक कुमार, उन्होंने लास्ट ईयर से एक कैंपेन लॉन्च किया जिसमें कि हमारे जितने भी कमांड ऑफिसर्स हैं उनको डायरेक्शन मिली कि हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराएंगे डिफरेंट गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स में, हॉस्पिटल्स में और काफ़ी और एस्टैब्लिशमेंट्स में भी। तो मुझे लगता है कि हमने काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम अभी कराए हैं और काफ़ी सारे पाइपलाइन में हैं। तो यहाँ पर ये जो आज प्रोग्राम हमने इनाकाद किया, इसका भी यही मकसद था कि यहाँ से एक मैसेज चली जाए लोगों में कि अवेयरनेस कितनी इंपॉर्टेंट है फायर के हवाले से। लोग कहीं बार जो गैजेट्स वगैरह यूज करते हैं और खासकर जैसे एलपीजी फायर जो आपने अभी कवर किया, एलपीजी फायर को कैसे कंट्रोल करना है, उसके साथ डूज एंड डोंट्स क्या है, ये लोगों को समझने की काफी जरूरत है क्योंकि हम इनका फ्रीक्वेंट यूज करते हैं और कई बार जब इनके यूज में लापरवाही हो जाती है तो आग लगने की संभावनाएं बढ़ती है। तो मैं समझता हूं कि डायरेक्टर सर का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है और उसकी वजह से जो हमारे फायर इंसिडेंट्स हैं वो भी काफी कम हो गए हैं पिछले सालों के कंपैरिजन में। लोगों से यही मैसेज रहेगी कि इस विंटर सीजन में आप जो हमारे हीटिंग गैजेट्स हैं उनका सही इस्तेमाल करें, आप डूज एंड डोंट्स को प्रॉपरली फॉलो करें और जो भी फायर एंड एमरजेंसी की तरफ से जो एडवाइजरीज इशू होती है उन पे अमल करें। मेरा नाम है मोहम्मद जाफर, सब ऑफिसर इंचार्ज फायर एमरजेंसी स्टेशन गौकदल। आज हमने यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था और हमने एक प्रोग्राम यहाँ पे विजिलेंस अवेयरनेस के बारे में भी किया था। उसमें हमने क्विज प्रोग्राम किया था जिसमें हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब भी मौजूद थे, तो उनकी निगरानी में वो प्रोग्राम हमने किया था। तो आज हमने ये प्रोग्राम इसलिए यहाँ पे रखा कि ताकि लोगों में अवेयरनेस भी हो जाए और हमने यहाँ पे ये डिमॉन्स्ट्रेशन ड्रिल भी की ताकि लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस हो जाए। क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? मैं लोगों से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आग के समय आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत जो नियरेस्ट फायर स्टेशन होगा उनको आप कॉल कीजिए, उनका नंबर अपने पास रख लीजिएगा। मैं आपको रिसेंटली बताऊंगा आज रात के बारे में। आज रात मुझे 1 बजे घर से कॉल आती है, जैसे मैं मेरे घर से फ़ोन आता है कि यहाँ पे पड़ोस में आग है। उन्होंने पहले मेरे घर फ़ोन किया, फिर घर से मुझे फ़ोन आया, तो मैंने यहाँ से कंट्रोल रूम को किया, फिर हमने पटन स्टेशन को फ़ोन किया, फिर सोपोर को किया, उसमें हमारा टाइम वेस्ट हो गया। अगर उनके पास नंबर होता वो डायरेक्ट डायल कर देते तो तुरंत गाड़ी पहुंच जाती, इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। मैं लोगों से गुजारिश करता हूं कि फायर स्टेशन का नंबर अपने पास मौजूद रखें, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप डायरेक्ट नियरेस्ट फायर स्टेशन को कॉल करें ताकि हमें आने में दिक्कत नहीं होगी और टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि उनका जो दूसरे स्टेशनों पर या दूसरे पुलिस स्टेशनों पर कॉल करने का वक्त होता है वो हमें ज़ाया हो जाता है, क्योंकि हमारा जो कीमती वक्त होता है वो इनिशियल स्टेज में 5 मिनट हमारा वक्त होता है ताकि हम आग पर पहुँच जाए, हम वहाँ पर वो कार्रवाई तुरंत कर दें। लेकिन उनका जो वहाँ पे कम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेशन हमें बहुत लेट मिलती है, क्योंकि वो पहले पुलिस स्टेशन को या कोई यार दोस्त होता है उसको कॉल करते हैं, उसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है।